एक बार संभाजी नगर के एक गुरु एक चेला समुद्र किनारे गए मुंबई बंबई। तो पुराने जमाने में मुंबई के समुद्र किनारे एक बोट लगा था। बोट पर लिखा था डूबते हुए बचाने वाले को 500 रुपया इनाम। गुरुजी थे संभाजी नगर के छत्रपति, संभाजी नगर को संभाजी नगर के गुरुजी खतरनाक होते। गुरुजी बोले चेला अगर कुछ रुपया तुम्हें कमाना हो तो बोलो। चेला बोलो गुरुजी हो जाने दो। गुरुजी बोले चेला एक काम करते हैं, हम डूबते हैं तुम बचाना। 500 लेंगे, 100 तुम्हारे 400 हमारे, क्योंकि रिस्क हमारा है। चेला बोला गुरुजी तैयार है चलेगा। गुरुजी समुद्र में गए, अब ठीक है। चेला बोलो थोड़े और। गुरुजी थोड़ा अंदर गए, अब ठीक है। गुरुजी थोड़ा और। गुरुजी और अंदर गए, यहां तक पहुंच गए, अब ठीक है। बोले अब ठीक है। अब गुरुजी लगे डूबने, इशारा करके बोले बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले दिमाग खराब है क्या तेरा। गुरुजी को लगा 100 रुपया कम कर दिए, बड़ा बदमाश चेला है चूंकि छत्रपति संभाजी नगर का आदमी। बोले शायद बेटा कम हो गया। बोले बेटा बचा ले, 200 ले लीजिए। चेला बोलो तो गुरुजी को दिमाग खराब के रुपयों के चक्कर में प्राण ना चले जाए। गुरुजी बोले 300 ले लीजिए बचा। चेला बढ़िया समोसा खाए। गुरुजी बोले बाहर में जाओ, 500 ले लीजिए प्राण बचा। चेला फिर बोलो गुरुजी बोले भैया 500 इस सरकार के ले लीजिए, 500 हमसे ले लीजिए, 1000 प्राण बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले आखिर बात क्या है। चेला बोला आगे वाला बोर्ड पढ़ो, आगे वाले बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। बोले 500 कौन पर सीधे 5000 ले। बोले सीताराम। खैर वो संभाजी नगर का नहीं था, वो तो मुंबई का था। अपन को कल तक रुकना भी है।